डियर फ्रेंड्स, हम बचपन से यही सुनते आते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड का पी लेटर साइलेंट होता है, सुनामी का टी साइलेंट होता है, निमोनिया का पी साइलेंट होता है, या अन्य कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लेटर साइलेंट होते हैं। अगर हमें जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो जनरली यही आंसर मिलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कई वर्ड्स होते ऐसे हैं जो साइलेंटली प्रोनाउंस होते हैं, तो इस बात से स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर साइकोलॉजी में पी को साइलेंट ही करना है तो उसको हटा क्यों नहीं देते, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इस बात को समझने के लिए जब हम अपना एक रिसर्च करें, अपना स्टडी करें, तो जो हम बेस्ट इस बात को समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कॉमन सेंस के आधार पर समझ पाते हैं, वो यह कहता है कि साइकोलॉजी में हम पी को प्रोनाउंस तो करते हैं लेकिन वो सुनाई नहीं देता, या यूँ कहें कि वो सुनाई देता हो प्रतीत नहीं होता, या यूँ कहें कि प्रोनाउंस हो ही नहीं सकता। वो कैसे? साइकोलॉजी को हम हिंदी में साइकोलॉजी इस ढंग से लिखते हैं क्योंकि हिंदी के आधार पर यहाँ हम इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी मदर टंग है इसलिए यहाँ पर हिंदी के माध्यम से समझाया जा रहा है। साइकोलॉजी को हम साइकोलॉजी इस ढंग से लिखते हैं। अब यहाँ पर पी का उच्चारण कैसे हम करें कि वो सुनाई न दे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पी का उच्चारण होता तो है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, तो चलिए इस पी को इस वर्ड के साथ लगा के देखते हैं जो हिंदी में लिखा है, तो ये बन जाएगा साइकोलॉजी, आधा पौ के साथ साइकोलॉजी, हमने पी को आधा पौ के रूप में इसमें जोड़ लिया, अब ये बन गया साइकोलॉजी। अब पूरा पौ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पी के साथ ए नहीं है, ए होता तो फिर पूरा पौ लिखते। चलिए अब इसका उच्चारण करके देखते हैं, साइकोलॉजी साइकोलॉजी। जब भी हम इस आधे पौ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ बंद हो जाते हैं, तो इसलिए वो सुनाई देता नहीं, साइकोलॉजी। इसलिए जब वो सुनाई नहीं देता तो हिंदी में इसको लिखने का भी औचित्य नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ साइकोलॉजी ही लिखते हैं, साइकोलॉजी ही याद रखते हैं। या यूँ कहें कि साइकोलॉजी में पी सुनाई नहीं देता, या यूँ कहें कि हम इसको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जब बंद हो जा रहा है और तो हम कैसे बोलें। तो इसी बात को समझने के लिए हमारे पास और भी कई उदाहरण हैं, वो है सुनामी, इसमें टी साइलेंट होता है, इस टी को सोम लगा के हम देखें तो सुनामी हो जाएगा आधा तो के साथ, तो इसके साथ भी वही बात है, उच्चारण कर तो रहे लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा, या उसका उच्चारण कर नहीं पा रहे उसके साथ। यह निमोनिया, इसमें भी पी साइलेंट है तो पी को लगा के देखेंगे तो ये निमोनिया ही हम इसको बोल पाएंगे। तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए इंग्लिश फोनोलॉजी भी यही मानती है कि जो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं वो लिसिट सेलेबल्स नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि इनके इनका प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं होता जब भी वर्ड के शुरुआत में ही लगे होते। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो गई होगी, साइकोलॉजी का पी साइलेंट क्यों होता है, और भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके लेटर साइलेंट क्यों होते हैं। इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारियाँ, रिसर्च और एकेडमिक्स से रिलेटेड नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।